लोग हैं आद्दा माँ की मंदिर में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं जा रही हूँ माँ बाबा के घर, मेरा मायका, मेरी पुरानी वाली गली, पुराना रास्ता जहाँ पे मैं बड़ी हुई हूँ। ये देखो मेरी स्कूल ड्रेस, और इस गली से होते हुए मेरा हाई स्कूल है, और सामने है बचपन का स्कूल, मतलब प्राइमरी स्कूल। मैं स्वीट वगैरह कुछ लेके आई नहीं हूँ, सोचा कि केक लेके चलते हैं, इतने सारे केक का ऑप्शन है, अभी भी केक सेल हो रहा है आराम से, तो सोचा ये लेके चलती हूँ। ये बहुत अच्छा है, आप ट्राई करना बिस्कॉम का। गरम गरम बादाम, एक ठंडा भालो लगे भाई, ठंडा ठंडा बेची भालो। ऐसे किन बसंत वाला। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, ये मैं आपसे आज मिल रही हूँ, कल के बाद वीडियो नहीं कर पाई हूँ, मम्मी पापा के साथ बात करने लग जाती हूँ ना, उस टाइम पे वीडियो नहीं होता। आज मैं आई हूँ मम्मी के घर, आ तो गई थी, सामान वामान रख के फिर बाहर हम लोग घूमने निकले थे, थोड़ा अच्छा लगता है ना हमारा पुराना जगह, तो घूम फिर के अभी मैं वापस आ रही हूँ। एक केक खरीद लिया है, और देखा गरम गरम मूँगफली का फ्राई हो रहा है, तो आनू घर पे ही है मम्मी के पास। आज मेरी मौसी भी आएगी, भाई भी आएगा मिलने। मैं और चीज़ खा रही हूँ, आपको पता नहीं, आपको पता है कि नहीं, ये है लोम्बू, स्पेशल लोम्बू इसको बोलते हैं, तो आज मिला चाय की दुकान पे, दिख गया तो मैंने एक ले लिया। ये खाते खाते मैं जा रही हूँ घर, वो आ रहे हैं पीछे। मेल ऑन करो। जब भी माँ बाबा के पास आती हूँ ना, यहाँ आ जाती हूँ एक टोस्ट खाने, ये बहुत फेमस स्ट्रीट फूड है यहाँ का, बचपन से खाती आई हूँ और बहुत टेस्टी लगता है, उनको भी बहुत पसंद है। सोचा सब मिलके आते हैं, और भाई मौसी सब आ गए थे सुबह ही, तो सबके साथ इकट्ठे वो फोटो वोटो खींचा पूरा दिन, वो सब देख रहे थे। मम्मी एक कोशा बना रही थी डिनर के लिए, सोचा आपको दिखा देती हूँ। गुड मॉर्निंग, रेडी होके बैठी हुई हूँ, कब से दक्षिणेश्वर जाऊँगी, तो अभी तक पापा नहीं आए गाड़ी लेके, सो इंतज़ार करते करते ये भी सो गए, आना भी सो गए। अभी वजह है 7:10, ठीक है, तो जितनी जल्दी जाऊंगी उतनी जल्दी पूजा देके आ सकती हूँ, नहीं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबा लाइन लग जाती है। सब मिला जुला के आज पता नहीं क्या होने वाला है, और फ़ोन मैं लेके नहीं जा सकती, फ़ोन सब घर पे रख के जाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे फ़ोन वोन अलाउ नहीं है, और फिर कहाँ पे रखूँ जमा करना, मतलब उस लेने का एक चक्कर रहता है, तो ये सब लेके नहीं जा सकती। दक्षिणेश्वर मंदिर में हम आ गए हैं, और वहाँ पे हम प्रसाद कलेक्ट करने जा रहे हैं, एक मूली लेके आई हूँ घर से, आते आते थोड़ा सा लेट हो गया, सैटरडे वैसे भी भीड़ होता है, तो ये रहा हमारा दक्षिणेश्वर टेंपल। कुछ देर बाद ये फोन वीडियो से आप ले लेंगे, नहीं करने देंगे, तो थोड़ा सा आपको दिखा रही हूँ, वो है दक्षिणेश्वर, वो ही देखो मंदिर, अच्छी बात है। तो एंटर करते ही राइट साइड में एक छोटा सा मार्केट लगा हुआ है, छोटा छोटा स्टॉल, और एक एक स्टॉल का एक एक नंबर, तो यहाँ से आप प्रसाद कलेक्ट कर सकते हो, पूजा देने जाना है ना, तो डाली आप अपने मन पसंद ले सकते हो, छोटा बड़ा डिफरेंट डिफरेंट है, बस इसके बाद मोबाइल अलाउ नहीं है, पूजा दे के फिर आती हूँ। ठीक हो गया है, अभी अभी जस्ट दर्शन करके आई हूँ, बहुत भीड़ है लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से देखा, तो भगवान के आशीर्वाद ले लिया, और अभी हम लोग जाएंगे आद्दा पीठ। चलो आद्दा पीठ घूमते हैं, चलो पापा उधर फोटो खींच रहे हैं। अभी हम लोग हैं आद्दा माँ की मंदिर में, आद्दा पीठ, तो यहाँ पे अभी मंदिर बंद है, 10:30 to 11:30 मंदिर में स्तोत्र पाठ होता है, फिर इसके बाद मंदिर ओपन होगा, तो इससे पहले छोटा जो आदि मूर्ति है उस पर हमने पूजा कर लिया है, अगरबत्ती जलाने। गुड मॉर्निंग, अभी बजा है 10:10, तो हम लोग दक्षिणेश्वर फिर आद्दा पीठ पूजा देके आ गए हैं, इतनी जल्दी जल्दी हो गया क्योंकि हम मॉर्निंग मॉर्निंग गए थे, और इतना अच्छा लगा आपको क्या बताओ, कितनी क्यूट लग रही थी माँ काली। दक्षिणेश्वर में माँ काली एकदम लाइट पिंक कलर की एक बनारसी साड़ी पहनी हुई थी, विथ लॉट्स ऑफ ऑर्नामेंट्स, बहुत अच्छी लग रही थी। और फिर हम गए आद्दा पीठ, आद्दा मंदिर में भी माँ आदि मूर्ति देखी, क्योंकि 10:30 को गेट ओपन, मतलब डोर ओपन होता है माँ की पूजा की, तो इसलिए नहीं देख पाई, तो आदि मूर्ति की पूजा हम देख पाए और पूजा भी दे पाए, तो अभी अभी जस्ट घर पहुँचे हैं, मैं तो नहा के गई थी, बाकी दोनों अभी नहाएंगे, तो मैं अभी फ्रेश हो लेती हूँ, ठीक है। मम्मी यहाँ पे बना रही है पूरी और आलू की सब्जी, तो फटाफट मैं रेडी हो जाती हूँ। ओ हाँ, एक चीज़ आपको दिखाने, क्योंकि आनू के मोबाइल लेके गई थी, उसके मोबाइल में बैटरी नहीं थी एकदम भी,
और हमारा तो छोड़ के गई, दिखा नहीं पाई। हम लोग खाए थे कोचुरी, हिंगेर कोचुरी और उसके साथ जलेबी, गरम गरम जलेबी। तो एक एक करके खाए हैं कचौड़ी, क्योंकि पेट बहुत ज़्यादा भर जाता है, वहाँ पे हींग डाला हुआ होता है और डालडा में मतलब फ्राई किया होता है इसलिए। तो ठीक है, मम्मी को आहनु ने बोला है पूरी खाऊंगी, तो इसलिए मम्मी पूरी बना रही है। चलो मैं फ्रेश हो लगती हूँ झटपट। चलो अब ज्यादा काम भी नहीं है, बैठ के गरम गरम पूरी और आलू सब्जी एंजॉय कर लेते हैं। और पूरी के बाद ये देखो एक स्वीट, ये पापा के दोस्त ने दिया था, इसको बोलते हैं काचा मिष्टी, नोरेन गुड़ का मिष्टी, नोरेन गुड़ का संदेश। अच्छा है, पिस्ता विस्ता डाला हुआ, मिस्टीटा भालो। मैं और मेरी मम्मी, ड्रेस देखो, इधर ये वाला ड्रेस पहने हुए कौन देखो, आनु सेम एज की थी, आनु भी, मैं भी इसी एज की थी और आनु भी सेम। फ्राइड राइस मिस्टी ना, फ्राइड राइस और आलू था। अभी लंच कंप्लीट किया है, दम आलू और फ्राइड राइस, और मम्मी यहाँ पे बकड़ 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 बक बकड़, मैंने सांखा पहनी है ये देखो, बाद में उधर जाके मैं दिखाऊंगी, एक मैंने लिया भी है दूसरा, और एक दोस्त के लिए भी लिया है। उधर आनू सिखा रही है दादू को, कुछ सिखा रही है। मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ, बैग बैग पैक कर रही हूँ, घर जाऊँगी, न्यू टाउन जा रही हूँ, तो उसके लिए थोड़ा प्रिपरेशन चल रहा है। आज ब्लॉग उस तरह से नहीं कर पाई, पता नहीं क्यों, मम्मी के पास आके पूरा मम्मी के साथ बैठ, सुन सकते हो आप, सुन रहे हो? तो ये चल रहा है, वो दूसरे रूम में है, थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं। तो चलो फिर मैं उधर जाके आपसे मिलूंगी। हाँ, माँ के टाटा कर दिला, माँ टाटा, कान्ना खाटी करबे ना একদম, ডোন্ট ক্রাই, দেখো সবাই জেনে যাচ্ছে তুমি কে দেখছো, তুমি কে দেখছো সবাইকে জানিয়ে দেবো, কিন্তু না তালা লাগাও দিয়ে চলো, আমি রোনা ধনা মাচা কে রাখি হ্যাঁ বাহার চল চল নামি চলো, আমার ট্রেন সে যায়েঙ্গে ট্রেন সে। फेमस ट्रेन राइड, इतना भीड़ है, इतना कुछ है, लेकिन फिर भी ट्रेन राइड हमें अच्छा लगता है, और ये एक बार तो करना ही है, कोलकाता आई हूँ। तो चलो अभी हम जाएंगे विधाननगर स्टेशन, उसके बाद घर। इस दिन घर आते आते लेट हो गया था, शाम हो गया था, फिर उसके बाद मम्मी पापा को पूरा स्टोरी बताया, ये सब करते करते लेट हो गया था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है, और मैं यहाँ पे केक लेके आई हूँ मम्मी पापा के लिए, सेम केक जो हमें बहुत पसंद आया था। और वैसे आज ना हमारे घर में बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं, एक फुल फैमिली, और ये देखो बड़े बड़े पतीले बर्तन ये सब निकाला है मम्मी ने। आज मैं बना रही हूँ चिकन करी, और वो भी 2 kg चिकन एक साथ बनाऊंगी बहुत दिनों के बाद। तो ये इधर मसाला भून रही हूँ, भून भून के एकदम देखो मसाले का कलर चेंज हो गया है, साथ में यहाँ पे फ्राई किया हुआ आलू है और नीचे मैरिनेटेड चिकन, इसी से बनाऊंगी आज। और इधर देखो साथ में बन गया है दाल, ये मसूर का दाल है एकदम प्लेन, साथ में आलू भाजी, और यहाँ पे है एक मिक्स वेज और चटनी, मिष्टी दोई, स्वीट्स तो है। कि सुंदर गोलापगुलो फुटेছে দেখো, শীতের গোলাপ। और आज सुबह से हमारे घर में जो भी आ रहे हैं छोटा छोटा एक बॉटल लेके आ रहे हैं, तो मैं भी आई हूँ देखने यहाँ पे क्या चल रहा है। এটা কেন মানে এটা জাস্ট এটা আমাদের ই আছে। पापा इंतज़ार कर रहे हैं, कल बहुत सारे गेस्ट आए थे, आज भी हैं, वो लोग ब्रेकफास्ट करके जाएंगे, घूमने आए हैं कोलकाता, तो वो लोग हैं अभी घर पे, तो इसलिए मैं ज़्यादा वो नहीं कर पा रही हूँ वीडियो। अभी पापा ने बुलाया, चलो चल बाज़ार लेके जाता हूँ, क्या फिश लेगी, क्या पसंद है तुझे, तो वहाँ खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं, और 10 बार फ़ोन कर रहे हैं आजा आजा कर, 9 बज गए ऑलरेडी, और पापा बेचैन हो जाते हैं ज़्यादा देर हो जाता है। तो चलो देखते हैं आज क्या क्या फिश है, पापा क्या क्या लेने वाले हैं। एक्चुअली गेस्ट आए हुए थे ना, उनके साथ बिजी थी, सो चलो एक बार और मार्केट चले। वो देखो धीरे धीरे चल रहे हैं पापा,
सुबह सब धुलाई बुलाई चल रहा है कार बार। चलो बाबा एसे गेछि, चलो एसे गेछि। बोलो बाबा चेने सब चेना जाना जान पहचान के आदमी के पास आ गया। हमारी मास्क के दरकार नहीं आपने। उधर दूर में देखो दो दो छोटा छोटा घोंसला बनाया है पंछी ने। आनु दीदी बिजी है। हाय बोलो। अरे बाबा ले, अरे बाबा ले, कत की एक बाबा। आनु को मिल गई एक छोटी सी स्टूडेंट। তুই জান করবি না। ইতনি টাইম সে ফিশ বানা রই থি বাবা, একদম কিচেন বিচেন ক্লিন করকে আই হু। মম্মি একবার সব দেখ রই হ্যায়। टाइम हो गया है 1 o'clock, उनको कहीं पे जाना है, उनका कुछ काम है ऑफिस वर्क, तो मैं अभी जाऊंगी नहाने। ये देखो उनके एक दोस्त की बेटी छोटू। चलो बाय द वे उस दिन कार्टेंस आया था, दिखाना मैं भूल गई, तो यहाँ पे ये लगाया है, पता नहीं कैसे करके रखा है। गेस्ट आए हुए है ना, और वो लोग फुल फैमिली लेके गए हैं निको पार्क, साइंस सिटी, ये सब घूमने। तो हम लोग नहीं गए क्योंकि उनका एक काम है, तो इसलिए नहीं गए। वो लोग घूम के फिर इवनिंग में आ जाएंगे। तो घर का हालत पूरा बिखरा हुआ है, इसका क्लीन करके रखती हूँ, फिर नहा के जा नहा के आती हूँ। सारे कपड़े यहाँ पे लगा दिए, वो देखो ये रहा हमारा बालकनी और बालकनी से व्यू। तो चलो फिर आज के लिए, अभी तक के लिए काम कंप्लीट। और जो दोस्त लोग थे ना, वो लोग जस्ट अभी अभी रवाना हुए हैं, ओला बुक किया इधर से, वो लोग जाएंगे साइंस सिटी घूमने, फिर उसके बाद घर वापस जाएंगे, उनका घर दूर है थोड़ा। तो अभी मैं जाऊंगी नहाने, क्योंकि सुबह का काम थोड़ा बहुत हो गया है। मम्मी खाना बना रही है, आज वेज खाना बनेगा, मम्मी का एक व्रत है। तो दाल, आलू गोभी की सब्जी, खसखस, ये सब बनेगा वेज में। पापा बाहर गए हैं टहलने, आनू देख रही है कार्टून और वो अपने काम से गए हैं। तो मैं अभी फ्री हूँ, मैं बेड बेड सब ठीक कर लेती हूँ, फिर उसके बाद नहा के रेडी होके एक नए व्लॉग में आपके साथ मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय। और इस बार मतलब कोलकाता आते ही हमारा तबीयत का पूरा 12 बज गया। पहले तो पेट में गड़बड़, फिर उसके बाद अभी मेरे गले का आवाज सुन के आप समझ सकते हो, 2 दिन से बहुत ज्यादा कोल्ड हो गया था, आवाज नहीं निकल रहा था, इसलिए कल रात को मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। पता नहीं क्यों सडनली गले में दर्द, और वेदर चेंज हुआ, मुझे नहीं पता इस बार क्या हो रहा है मेरे साथ। तो चलो अभी थोड़ा बहुत ठीक हूँ, लेकिन घूमना तो है, आने को दिखाना है बहुत कुछ। तो लेस करती हूँ आपसे नए ब्लॉग में। बाय बाय, साथ रहना, घूमने चलो हमारे साथ। वाला कर्टेंस ना हमने अमेजोन से मंगवाए हैं, कितना सुंदर है ना, देखने में प्रिंट बहुत अच्छा लगा। और इस घर का जो कलर है वो आप देख सकते हो, ब्लू है, तो ब्लू के साथ ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो हमने ये वाला चूज किया। वो मम्मी का पुराना वाला कर्टन हटा दिया, अभी मम्मी पापा का सेटअप है अपने आप, उन लोगों ने सेटअप किया है, तो मैं कुछ छेड़छाड़ नहीं करना चाहती। तो ये जो है कर्टन सामने लगाए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये वाला कलर, है ना। चलो मस्किटो नेट वगैरह हटा देती हूँ, यहाँ पे मच्छर बहुत है।